हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, मॉर्निंग का हमारा गैलरी मैंने साफ़ कर दी, उसके बाद मैंने अपने लिए एक गिलास पानी गर्म करके और वो पी रही हूँ। और ये है 16 तारीख का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, गुरुवार है आज। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर वाले रूम हैं ये, जो कि जो बड़ा बेटा है वो यहाँ मतलब पढ़ता है एकांत में, क्योंकि नीचे ना बच्चे बहुत शोर करते हैं, कृष्णा और कुशा, तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो यहाँ देखिए, वो ऊपर वाले रूम में पढ़ लेता है आराम से। तो यहाँ अब उसका लास्ट पेपर रह गया है कंप्यूटर का, तो 23 तारीख को है उसका कंप्यूटर का पेपर। तो यहाँ देखिए, ये है 16 तारीख। मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्प्रे कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे मच्छर हो गए हैं, तो झाड़ू पोछा और इन सारी मतलब सोफ़ा और बेड वगैरह को अच्छे से फटकार के और यहाँ ना पोछा लगा के थोड़ा सा स्प्रे कर दूँगी, तो जिससे कि जब तक वो नहा धो के अपना नाश्ता पानी करके आएगा, तो इसके बाद वो आराम से यहाँ पढ़ लेगा और मच्छर भी नहीं इतने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और मच्छरों से कितनी सारी बीमारियाँ हैं। तो इससे पहले ही कि बच्चों की तबीयत ख़राब हो, उससे पहले ही सारे बच्चे आप कर ले। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और बता दूं कि स्प्रे कम से कम करते रहना चाहिए, दिन में एक बार तो करना चाहिए। और यहाँ देखिए, मैंने मॉर्निंग में ही, वैसे तो मैं पोंछा वगैरह जब लगाती हूँ तो स्प्रे कर देती हूँ और मेरा ऊपर के कमरे वगैरह संभाल के आ गई हूँ। और यहाँ देखिए, मैंने नाश्ते में मतलब आज पोहा बनाया था, तो पोहा वगैरह सभी ने खा लिया है और बच्चा भी नहा धो के अपना पूजा वूजा करके वो भी नाश्ता पानी करके ऊपर पहुंच जाएगा। और यहाँ देखिए, 15 तारीख को ये आटे का कट्टा आया था, उसको मैंने भर के रख दिया है और जो किचन में थोड़े से बर्तन नाश्ते के हो गए थे उन्हें साफ़ करके मैं डाल दूँगी। तो किचन में फ्रेंड्स, ये पूरी किचन साफ़ करके और मैं प्रॉपर करके डाल दूँगी, क्योंकि मुझे अभी बनाना है लंच। तो लंच में फ्रेंड, आज मैं कुछ नहीं, कढ़ी चावल बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे भी यही कह रहे थे कि गर्मा गर्म कढ़ी और चावल बनाने तो वो पापड़ वगैरह देते हैं। तो यहाँ हमारा दोपहर का हमारा लंच आज कढ़ी चावल होंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरी किचन भी प्रॉपर साफ़ हो चुकी है। उसके बाद मैं एक बाल्टी आलू का पानी भर के रख देती हूँ, क्योंकि मौसम तो कैसा है, बारिश वाला, और आज पेपर में भी आ गया है कि आज बारिश हो सकती है। तो फ्रेंड्स, पहले ही मतलब परेशानी ना हो, तो मैंने आरओ का पानी भर के रख दिया है। और यहाँ देखिए, अपने लिए बना लिए एक कप चाय, तो गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। तो यहाँ देखिए, काफ़ी टाइम लगता है मॉर्निंग का जो भी रूटीन वो करना है, लेकिन हाँ, मैं प्रॉपर टाइम से सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठूँ तो ऑटोमेटिकली सारे काम अपने टाइम से हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रज्ञा मैडम लगा रही हैं झाड़ू। तो यहाँ वही है ना कि सारे अपने अपने काम को संभाल लेते हैं, तो मॉर्निंग का काम मेरा किचन का होता है और प्रज्ञा का होता है सुबह का झाड़ू पोछा। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग का एंड यही करते हैं, कैसा लगा बताना ज़रूर। बाय बाय।